इंटर के रिजल्ट को लेकर जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे उन सभी विद्यार्थियों का इंतजार का वक्त अब समाप्त होने वाली है बोर्ड की तरफ से लगातार अब आप लोग को नोटिफिकेशन रिजल्ट को लेकर आना जाना शुरू हो गया क्योंकि कल आपका वीडियो में बताया था सभी विद्यार्थियों का टॉपर सत्यापन के लिए टीम गठन किया गया और वो टीम आप लोग को आएगा सभी स्कूल और कॉलेज में और आकर जो भी बच्चे टॉपर बने उनका कॉपियों की जाँच करेगी प्रैक्टिकल कॉपी और थ्योरी कॉपियों के उम्मीद जताई जा रही थी कि बीस मार्च तक रिजल्ट को जारी किया जाएगा लेकिन आपको बता दूँ कि इसके बीच में आप लोग को एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया था

आपको बता दूं कि रिजल्ट की प्रक्रिया की यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो इंटरव्यू की प्रक्रिया 18 मार्च को आप लोग को चलेगा उन्नीस और 20 और इक्कीस मार्च चार दिन आप लोग को टॉपर इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगा बोर्ड के द्वारा यह जानकारी दी गई है और उसके बाद आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा आपको बता दूं कि अब रिजल्ट की जो प्रक्रिया है तेईस या चौबीस मार्च तक आपका रिजल्ट को जारी किया जा सकता है क्योंकि अभी टॉपर सत्यापन में महत्व तीन से चार दिन का आप लोग को समय लगता है उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप लोगों को जो साइन समाप्त होता है तो एक से दो दिन और समय आप लोग को एक दिन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है और उसके बाद बाईस बाईस या तेईस को आप बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका रिजल्ट आएगा अगर आपका रिजल्ट तेईस को सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाएगा कि इतना बजे रिजल्ट आप लोग का जारी किया जाएगा तो अब ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि रिजल्ट के लिए आप लोग ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा सभी विद्यार्थियों को कुछ ही पलों के दिन आप लोग इंतजार है वक्त आपका समाप्त होने वाला है क्योंकि इस बार पूरी तरीका से रिजल्ट तैयार कर ली गई है टॉपर लिस्ट भी आप लोगों को तैयार कर लिया गया मूल्यांकन भी कर लिया गया है और रिजल्ट जारी करने का एक आप काम बच जाता है। और वो काम में ज्यादा आप लोग को अब समय नहीं लगने वाला है तो आप कुछ ही पलों में आपका रिजल्ट का इंतजार समाप्त होने वाला है तो जितने भी विद्यार्थी का उत्सुकता हो रही है रिजल्ट को लेकर तो आप धैर्य आपका रिजल्ट कुछ ही पलों में आने वाला है साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर तो बने हैं जिनके टॉपर तो में अगर आपका भी आप लोग को लिस्ट में नाम आया अगर आपके पास कॉल आया है तो जाइए वहां पर इंटरव्यू दीजिए वहां पर कुछ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपका क्लास से रिलेटेड ही रहेगा और आप लोग राइटिंग की जांच किया जाएगा और कॉपियों को मिलान किया जाएगा उसके बाद आप लोग को रिजल्ट कैसे आपको चेक करना है उसके तरीका बताता हूँ उसमें से अपने मोबाइल को किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है गूगल में आ जाना है टाइप कर लेना है बिहार जानकारी बिहार जानकारी टाइप करके सर्च कर दीजिएगा सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा इस वेबसाइट पर आप लोग को सिंपल से एक बार आ जाना है यहाँ पर आइएगा तो सर्च वाले पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ से आप लोग को सर्च कर लेना है इंटर रिजल्ट चेक जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से आपका यहाँ पर आप लोग को कर लेना है इंटर रिजल्ट चेक 2024 जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम इसी तरीका से आप लोग को सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटर रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक को प्रोवाइड कराया गया है ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा कैसे चेक करें यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल में पूरा विवरण आप लोग को बताया गया है तो इस आर्टिकल को एक बार अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंथ और ट्वेल्थ का लिंक आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है तो इस वाले वन वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को रोल कोड रोल नंबर आप लोग को डालने का आप लोग ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप सभी आसानी से सबसे पहले आपका रोल कोड को फिलअप करना है जो आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है स्कूल कोड होता है वो उसके बाद आपका रोल नंबर और उसके बाद कैप्चर को ऐड करना है नौ और छ को यहाँ पर आप लोग को पंद्रह को ऐड कर देना है और उसके बाद आप लोग को व्यू वाले पर क्लिक करके आप लोग आसानी से अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे तो रिजल्ट की जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया वो पूरा कर लिया गया है लिंक भी जारी कर दिया गया है यहीं से आकर सभी बच्चे आसानी से अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे जैसे ही बोर्ड के द्वारा रिजल्ट को जारी किया जाता है तो सेम इसी तरीका से आप अपना रिजल्ट को देख पाएंगे तो इस वीडियो को एक बार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी सभी को मिल